नारियल की चटनी, धनिया की चटनी या सांभर, आपको इन तीनों में से क्या पसंद है इडली के साथ, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि क्या पता शायद नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की हो। पर इन सबसे पहले हमें इडली बना लेना है। तो एक कप रवा के साथ आधा कप दही को मैंने मिक्स करके साइड में रख दिया है लगभग 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर ले रहा हूँ। पर पानी कितना डालना है, तो पानी हमें इतना डालना है कि इसका गाढ़ापन कुछ इस तरह का ना हो जाए। और उसके बाद मैंने नमक और सोडा डाल दिया है। नमक सोडा मैंने दोनों ही एक एक छोटा चम्मच लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसे इडली वाले बर्तन में डाल दे रहा हूँ, और गैस का फ्लेम हमें रखना है मीडियम पर। और जो मैंने रवा यानी सूजी का यूज किया है रवा इडली बनाने के लिए, वो मैंने यूज किया है विजय गोल्ड का इडली रवा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है विजय गोल्ड इडली रवा से, तो आप इसे जरूर ट्राई करें।